मेरे दोस्त एक चाहत है फौजी बनकर जीने की, नहीं तो अगर पैसे कमाने की लालच होती तो नौकरियां बहुत है। एक एक छाए छाए जीरो 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 हमारा टारगेट मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलेगा। कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है, वो तैयारी कर रहा है एक बड़ी उड़ान की। लोग सोच रहे हैं परिंदा हार मान रहा है। जो आपको पसंद नहीं करता है आप भी उसे पसंद मत कीजिए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि जो आपको पसंद नहीं करता आप उसके लिए जान भी दे देंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी भी इस काल्पनिक दुनिया से निकलो, समझ आ गया कि नहीं आ गया? और कभी कि मेरे भाई सब्र करना सीख, गरीब घर के बड़कांगे सारे शौक नहीं पूरे होया करदे। हर सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता साहब, पर फिर सोचता हूँ उन लोगों को भी तो गलत साबित करना है जिन्होंने कहा था कि तुझसे नहीं हो पाएगा। पर जो बंदा जीवन भर अकेले ही रहा है और जिस बंदे ने अपने दम पे अपना करियर बनाने की सोची है, तो तुम्हें लगता है किसी का उसकी लाइफ में आने या जाने से उसकी सेहत पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? अच्छा बताओ, दुनिया का सबसे प्यारा नाम कौन सा है? मेरे दोस्त हम आर्मी वाले बंदे हैं, हम पापा की परी की नहीं, हम इस फौज के वर्दी के दीवाने हैं। मेरे भाई एक चाहत है फौजी बन के जीने की, वरना पैसे कमाने होते तो नौकरियां और भी बहुत हैं। कोई फौजी बन गया, कोई दौड़ता ही रह गया, आखिरकार ये साल 2023 भी बीत गया। ये जिंदगी हर कदम पर संघर्ष है, हर कदम पर। उससे तुम तभी जीतोगे जब तुम्हारा मन और तुम्हारी शरीर दोनों मजबूत हो। जब दुनिया से अलग चलते हैं ना, तो 10 में से 9 लोगों को खोटे लगते हैं। बस सपने के पीछे दौड़ना नहीं छोड़ना, यकीन मानो आंखों में देखे वो हर एक बड़े सपने एक दिन छोटे लगते हैं। मेरे भाई एक चाहत है फौजी बन के जीने की, वरना पैसे कमाने होते तो नौकरियां और भी बहुत हैं। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलेगा। पहुंचना बहुत दूर है मेरे भाई, मंजिल अभी बाकी है, और खुद के पैरों पे चलना है तो बेशक देर लगेगी, पर फिक्र मत कर, तेरा भाई अकेला ही काफी है। जा रहे हो दिसंबर, चलो जा रहे हो तो ये वादा रहा तुमसे कि अगली बार मिलोगे तो उन हालातों से लड़ते हुए थोड़े और मजबूत हो जाएंगे। शेर सोया भी हो तो उसका रोब होता है, शेर जो होता है, शेर कभी सो भी जाए ना तो लोग फिर भी खौफ खाते हैं और उसके जागने का खौफ खाते हैं कि ये कहीं जाग ना जाए, शेर जो हुआ। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने आगे। कि मेरे भाई सब्र करना सीख, गरीब घर के बड़कांगे सारे शौक नहीं पूरे होया करदे। जिम्मेदारी में मोहब्बत खो गई, जागने से पहले हसरत सो गई, जिसकी खातिर मैं कमाने लग गया उसकी शादी मुझसे पहले हो गई। जिनका हाथ पकड़कर दुनिया देखा, अब खुद से दुनिया देखने का वक्त आया है। जब बचपन में कहते थे कि बड़े होकर आजाद उड़ना है, ना जाने अब मन में डर आया। तैयारी कैसे चल रहा है? अबे चल रहा है, अब पढ़ लिख करके अब्दुल कलाम थोड़ी ना बनना, हमारा सारा फोकस प्रतियोगिता पे, अब उसी का तैयारी में लग। मिडिल क्लास से कुछ नहीं होता लाडले, गांड में दम होना चाहिए शौक पूरे करने का। आज अफसोस होता है खुद की हालत पर, ओ प्यारे ओ खुद को खो भी दिया और तुझे पा भी ना सके। एहतराम करता हूँ गुलामी नहीं, अगर पलकों पे रख सकता हूँ तो नजरों से गिरा भी सकता हूँ। मेरे भाई भीड़ पाड़न खातर जिगरा चाहिए, प्रोटीन के डब्बे खाए तो भीड़ नहीं पाटे कर दी। दिसंबर के कती आखिरी दिन चल रहे हैं, कोई न कोई हमारा यार बिछड़ गया, कोई न कोई हमारा प्यार बिछड़ गया, और हर इस चीज की चिंता हो रही है, सपने अधूरे पड़े हैं, 1 साल और निकट गया, 1 साल और निकट गया। मैं तो कहता हूँ आप अपनी मंजिल पे कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे अगर आप रास्ते में हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारें। Exactly. अगर तुम हार गए तो जीरो से शुरू करने वाले को हारने का डर नहीं होता। करा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर
एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। मेरे दोस्त, धंधा छोटा हो या बड़ा उसे रोजी कहते हैं, धंधा छोटा हो या बड़ा उसे रोजी कहते हैं, आज जिसे देख कर आतंकवादियों की गांड फट जाए उसे भारत का फौजी कहते हैं। टोटो मर्जी मैडम, हम वह बालक हाँ जो एक बार खो दिए तो सोमवार के व्रत करे तभी नहीं मिला कर दे। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, नसीब बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलेगा। तो मैं अपने पापा का नाम करूंगा, वो तो मैंने सोच रखी है, तो मरूंगा करते करते, मरूंगा तो ऐसे नहीं, संघर्ष करते करते मर गया। मिक्स मार्शल आर्ट में मैं इसलिए आया हूँ, या तो आर या फार, मरूंगा या तो नाम करूंगा, बस एक काम होना है। क्या बात है भाई, आजकल बहुत कम मिलते हो। जहाँ मिल जाते हैं रिश्ते गहराइयों से वहाँ गम मिलते हैं, इसलिए मेरी जान हम आजकल बहुत कम मिलते हैं। आज अफसोस होता है खुद की हालत पर, ओ प्यारे ओ खुद को खो भी दिया और तुझे पा भी ना सके। कि जिंदगी में कोई नहीं आया तेरे बाद में, देख ये साल भी गुजर गया तेरी याद में। मेरे भाई तू चिंता मत कर, एक दिन दोनों भाई AK-47 के साथ आएंगे। जो मजा 1600 मीटर भागने में है मेरे भाई, वो लड़कियों के पीछे भागने में कहाँ है। जो लोग बोलते हैं ना, तुम्हारा लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो फालतू चीजों में पड़ गया, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, सालों को तुम्हारा मुंह बंद नहीं कराना आने वाले एक साल के अंदर, तो नाम बदल देना। कभी फिर बाद में समझूंगा तुझको, अभी खुद को जरा पहचान लूंगा। मेरा साया तलक मेरा नहीं है, तू मेरा है ये कैसे मान लूं मैं। वो बदलेगा तकदीरें एक दिन, यार वो मेरा भी तो खुदा है। जिन्हें मालूम है मंजिल की कीमत, वो बस चलते नहीं है भागते हैं। जरूरत, मेहनती, मजदूर और माँ, ये सब सूरज से पहले जागते हैं। मेरे दोस्त, पता नहीं वो रात कब आएगी जब सुबह हमारी आर्मी में ज्वाइनिंग होगी। तो मैं अपने पापा का नाम करूंगा, वो तो मैंने सोच रखी है, तो मरूंगा या तो नाम करूंगा, बस एक काम होना है। हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। मेरे दोस्त, जो मजा 1600 मीटर भागने में है, वो लड़कियों के पीछे भागने में कहाँ। जो मजा 1600 मीटर भागने में है मेरे भाई, वो लड़कियों के पीछे भागने में कहाँ है। तो मैं अपने पापा का नाम करूंगा, वो तो मैंने सोच रखी है, तो मरूंगा करते करते, मरूंगा तो ऐसे नहीं, संघर्ष करते करते मर गया। मिक्स मार्शल आर्ट में मैं इसलिए आया हूँ, या तो आर या फार, मरूंगा या तो नाम करूंगा, बस एक काम होना है। बापू तेरे कार। सोचा ना था ऐसे भी जमाने होंगे, अरे सोचा ना था ऐसे भी जमाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छुपाने होंगे। तुम्हारे गेम से मुझे अब कोई मतलब नहीं, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो अब कुछ नहीं होगा, तुम अब कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तुम्हें और सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। तो मैं अपने पापा का नाम करूंगा, वो तो मैंने सोच रखी है, तो मरूंगा करते करते, मरूंगा तो ऐसे नहीं, संघर्ष करते करते मर गया। मिक्स मार्शल आर्ट में मैं इसलिए आया हूँ, या तो आर या फार, मरूंगा या तो नाम करूंगा, बस एक काम होना है। ऐ जिंदगी आ बैठ, चल कहीं चाय पीते हैं, आखिर तू भी तो थकी गई होगी मुझे भगाते भगाते। और जितना दुख बांट सकेंगे सब बांटेंगे माँ जी, जिंदगी अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के काम आए वही तो जिंदगी है। मेरा सबसे जिगरी दोस्त तू है। आर्मी का शौक ना रखना मेरे दोस्त, क्योंकि ये शौक ना जीने देती है ना मरने देती है। जो अपनी माँ से प्यार करेगा वो वीडियो को लाइक करेगा, जो अपने पापा से प्यार करेगा वो वीडियो को कमेंट करेगा, जो इन दोनों से प्यार करेगा वो वीडियो को शेयर करेगा। बाबा पत्थर नहीं हूँ मैं, मुझ में भी नमी है, बस दर्द बयान नहीं कर सकता। सोचना पड़ता है घर की जिम्मेदारियों का भी, जरूरी नहीं रातों को जागने वाला हर शख्स आशिक हो। सबसे पहले तो उस दोस्त को कभी मत खोना जो तुम्हें गाली दे के समझाए, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता कर रहा है, उसके भीतर तड़प है, उसे खोना मत। टाइम आएगा अपना, उड़ा देंगे सबको,
बोला था कि आज उनका टाइम है, उनको उड़ने दो, अपना टाइम आएगा सबको। जिन्हें मालूम है मंजिल की कीमत, वो बस चलते नहीं है, भागते हैं। जो आपका है वो बिजी नहीं हो सकता, और जो बिजी है वो फिर आपका नहीं हो सकता। मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू, और सफल रहा तो एक दिन सबके सामने रोकर अपने संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा। थोड़ा सफल रहा तो फिर किसी से नहीं बताऊंगा, अकेले बैठ कर रो लूंगा, बट मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, वो मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू और करता रहूंगा। मैं क्या कभी सोचा नहीं था इंस्टा पे रील बनाऊंगा। अच्छा जी, वो तो तेरी मोहब्बत के बीच फंस गया डार्लिंग। नहीं, सपना था, एक दिन फौजी बन के दिखाऊंगा। ऐसी मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड ऑल पे सेलेक्ट कर ले। जय हिंद।